जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विचलन या डेविएंस से संबंधित अवधारणाएँ देखने वाले हैं। उससे पहले जरूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज करवाए जाते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल अभी तक आपने हमारा नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, सोशियोलॉजी से जुड़े लेटेस्ट कॉन्सेप्ट और नॉलेज के लिए। तो आइए देखते हैं डेविएंस। तो डेविएंस होता क्या है? तो सामान्य भाषा में विचलन दो शब्दों से बना है, बी तथा चलन से। बी से तात्पर्य है विपरीत, और वहीं चलन से तात्पर्य है व्यवहार से। जब समाज के नियमों के विपरीत व्यवहार किया जाता है तो उसी को विचलन नाम से जाना जाता है। अर्थात सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं के विपरीत व्यवहार ही विचलन कहलाता है। किसी भी समाज में यह संभव ही नहीं है कि व्यक्ति सभी परिस्थितियों में सामाजिक मानदंडों का अनुरूप व्यवहार करें। कई बार व्यक्ति इच्छा परिस्थितिवश विचलन के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे यंग तथा मैक ने कहा है कि सभी मानदंडों का पालन सदैव संभव नहीं होता है। हार्टन एवं हंट भी कहते हैं कि सामाजिक मानदंडों के अनुरूप व्यवहार न कर पाना ही विचलन है। तो हर्टन एवं हंट ने कहा कि सभी जो सामाजिक मानदंड हैं उसके अनुरूप व्यवहार न कर पाने ही जो है विचलन की श्रेणी में रखा जाता है। इनके अलावा विचलन के विषय में कुछ प्रमुख बातें यह कही जाती हैं कि विचलन जो है इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं होती। प्रत्येक समाज और संस्कृति के आधार पर विचलन अलग अलग हो सकते हैं। विचलन की परिभाषा एक समाज से दूसरे समाज में बदल जाती है। विचलन जो है समय सापेक्षिक है, यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विचलन जो है समय सापेक्षिक अवधारणा है। किसी स्थिति में विचलन कोई क्रिया विचलन माना जाएगा, किसी स्थिति में नहीं। अगला है विचलन समाज सापेक्षिक है, अर्थात किसी समाज में कोई वस्तु विचलित माना जा रहा है तो कोई वस्तु दूसरे समाज में वही सही माना जाता है। जैसे कई जनजातीय समाजों में मुंह पे थूक कर स्वागत किया जाता है तो हमारे सभ्य समाज में उसको विचलित व्यवहार मानेंगे, लेकिन वहाँ पे उसको सामाजिक व्यवहार माना जाता है। अब किसी समाज में अनुरूपता तथा विचलन साथ साथ चलते हैं, तो किसी भी समाज में अनुरूपता और विचलन दोनों साथ साथ चलते हैं। इनके अलावा है कोई भी समाज विचलन मुक्त नहीं, अर्थात सभी समाजों में विचलन पाया जाता है। समाज विचलन के प्रशस्तियों के माध्यम से हतोत्साहित करता है। तो प्रशस्तियों अर्थात जो दंड और पुरस्कार दिए जाते हैं उस आधार पर विचलन को जो है कंट्रोल किया जाता है। जो विचलित व्यक्ति रहते हैं उन्हें दंडित किया जाता है या उसे हतोत्साहित किया जाता है। विचलन की भी श्रेणियाँ होती हैं। अच्छा, विचलन को हम अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। विचलन व्यक्ति सदैव व्यक्ति ही विचलन के लिए जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि मूल्य और अपेक्षाएं भी कभी कभी विरोधाभासी हो जाती हैं। तो ये सब जो है विचलन की महत्वपूर्ण क्या कहते हैं विशेषताएं हैं। एक तरह से देख सकते हैं कि विचलन सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी गई है। एक समाज में जो चीज़ विचलित माना जाता है दूसरे में नहीं माना जाता है। विचलन समय सापेक्षिक होता है, समाज सापेक्षिक होता है। अनुरूपता और विचलन साथ साथ चलते हैं। प्रत्येक समाज में विचलन पाया जाता है। दंड अर्थात प्रशस्ति और सेंसन के माध्यम से उस पर कंट्रोल किया जाता है। विचलन को श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जैसे चने होने की चोरी, मतलब नॉर्मल चोरी को कम विचलित व्यवहार माना जाता है, जबकि एक चोरी जघन्य चोरी अपराध बलात्कार को अधिक विचलित व्यक्ति माना जाएगा, व्यवहार माना जाएगा। तो इस तरह से उसका स्तरीकरण या श्रेणीकरण भी किया जाता है। सदैव व्यक्ति ही विचलित के लिए जिम्मेदार नहीं होता, कई बार मूल्य और मान्यताएं भी ऐसी होती हैं। जैसे सती प्रथा या दहेज प्रथा हो गया, कई ये सब चीज़ें भी कई बार विचलित व्यवहार करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती। तो आगे विचलन के प्रमुख सिद्धांत डेविएंस थियरी ऑफ डेविएंस। तो पहला जो सिद्धांत है
जैविकी सिद्धांत बायोलॉजिकल थियरी, इसके प्रणेता जो है प्रतिपादक सीजर लिम्ब्रोसो हैं। इनकी पुस्तक है ल ल्यूमो ड्यूलिक्वेंट्स 1976 इनकी जो है पुस्तक है। अवधारणा है इनकी जन्मजात की अवधारणा है, बॉर्न क्रिमिनल की अवधारणा जो है सीजर लिम्ब्रोसो देते हैं। तो इनका क्या मानना है, इनके अनुसार कुछ व्यक्ति इसीलिए आपराधिक गतिविधियों में अन्य व्यक्तियों से अधिक संलिप्त होते हैं या जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनके जीन या जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अर्थात एक नॉर्मल व्यक्ति से उनके जीन भिन्न होते हैं, इसलिए वह अपराध करते हैं, ऐसा कौन मानते हैं, श्री लिम्ब्रोसो। दूसरे से भिन्न होते हैं, जीन संरचना आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। तो लिम्ब्रोसो का मानना है कि जीन संरचना जो होता है वह आपराधिक प्रवृत्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है। लिम्ब्रोसो के अनुसार अपराधी जो होते हैं वह जन्मजात होते हैं। तो यह स्टेटमेंट कई बार PGT एवं अन्य एग्जामों में पूछा गया है कि अपराधी को किसने जन्मजात माना है, तो यह सीजे लिम्ब्रोसो है। इसके बाद इन्होंने कहा कि इसीलिए वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे ऐसे ही बने होते हैं। इन्होंने अपराधियों के जैविकी संरचना का अध्ययन किया और पाया कि जो अपराधी होते हैं उनकी संरचना अलग होती है, उनके विशेष जबड़े होते हैं, ऊंची डोरी होती है, बड़े कान होते हैं। लिम्ब्रोसो को अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि लिम्ब्रोसो को अपराध शास्त्र का पिता माना जाता है। अगले जो विचारक हैं वह सेल्डन और ग्लुक हैं। सेल्डन ग्लुक भी जैविक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि जैविकी बनावट और विचलित गतिविधियों में कार्य कारण संबंध पाया जाता है। इनके अनुसार छोटे मोटे लोग मोसोमॉर्फ अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक सक्रिय और उत्तेजित होते हैं, और इनके अनुसार मेसोमॉर्फ आपराधिक प्रवृत्ति के मनोवृत्ति होते हैं। तो देखो यहाँ जिन्होंने जिस समाज में अध्ययन किया उस समाज के संरचना अर्थात व्यक्तियों की संरचना के बनावट के आधार पर उसकी व्याख्या की है। तो जहाँ उन्होंने जबड़े विस्तृत जबड़े ऊंची ठोड़ी और बड़े कान वालों को अपराधी माना है लिम्ब्रोसो ने, वही इन्होंने कहा छोटे मोटे लोग ज़्यादा अपराध करते हैं, वो ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। आगे हैं अगले थिंकर हेंस हाइजेक जिन्होंने जैविकी बनावट तथा विचलन के संबंध में पाया है। इनका जैविक बनावट और विचलन में जो है संबंध होता है। इनके अनुसार एक्सट्रोवर्ट व्यक्तित्व अधिक उत्तेजित, जोखिम उठाने वाले और भावावेश में जल्दी आने वाले होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी लोग होते हैं, वह अधिक उत्तेजित, जोखिम उठाने वाले और भावावेश में आकर जल्दी प्रतिक्रियाएँ करते हैं, इसीलिए वे अपराध करते हैं। तो इन लोगों ने जो है जैविकी आधार पर जो है इसकी व्याख्या की है, किसकी, विचलन की। जैविकी सिद्धांतों का कोई समाजशास्त्रीय महत्व नहीं था, समाजशास्त्र में जैविकी बनावट और विचलन के संबंध को स्वीकार नहीं किया, अर्थात इनको इसकी आलोचना की गई है। आगे है अगला है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत साइकोलॉजिकल थियरी। तो यह साइकोलॉजिकल थियरी है। तो साइकोलॉजिकल थियरी क्या मानना है कि विचलन के अदर दृष्टिकोण होते हैं। इनके अनुसार विचलन जो है प्रवृत्ति व असामान्य व्यक्तित्व या एबनॉर्मल पर्सनालिटी में होती है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ऐसा करते हैं, उनमें एबनॉर्मल पर्सनालिटी की बात कही गई है। किसने, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में। इन्हों का असामान्य व्यक्तित्व किसी जैविकी बनावट का परिणाम नहीं बल्कि असामान्य अनुभव तथा त्रुटि पूर्ण सामाजिकरण का परिणाम होता है। तो इन्होंने कहा जैविकी बनावट का परिणाम नहीं होता है बल्कि असामान्य अनुभव और त्रुटिपूर्ण समाजीकरण के कारण व्यक्ति जो है आपराधिक प्रवृत्ति क्या बन जाता है। एबनॉर्मल एक्सपीरियंस एंड डिफेक्टिव सोशियोलॉजिएशन, अर्थात एक गलत संगति में रहकर भी व्यक्ति अपराधी हो बन जाता है, ऐसा किसका मानना है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का। आगे इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में जिनका सर्वप्रथम नाम आता है वह जॉन वाल्पी हैं, जिनकी पुस्तक है 44
जेवेलाइन थीविस। इन्होंने 44 चोरों की बात की है। इन्होंने पाया कि बाल्यावस्था में बच्चों में कुछ आवश्यकताएं होती हैं, विशेषकर भावनात्मक सुरक्षा जो उसे माता से प्राप्त होती है। इन्होंने कहा बच्चों के लिए कुछ इमोशनल आवश्यकताएं होती हैं जिसकी पूर्ति माता करती है। इन्होंने कहा अगर बच्चा प्रारंभ से ही माँ के प्यार से वंचित हो जाता है, तो उसे भावनात्मक असुरक्षा की भावना विकसित हो जाती है। वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है समाज में। फलस्वरूप बच्चा क्या है, साइकोपैथिक व्यक्तित्व का हो जाता है। साइकोपैथिक मतलब मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। तो साइकोपैथिक व्यक्तित्व या इम्पल्सिव एक्ट उत्तेजित क्रियाएं करता है। तो साइकोपैथिक व्यक्तित्व ना दूसरों के प्रति उत्तेजित क्रियाएं करने लगते हैं तथा अपने क्रियाओं के परिणाम के बारे में वे नहीं सोचते हैं। तो अपने क्रियाओं के जो साइकोपैथिक व्यक्तित्व के लोग होते हैं वह अपने क्रियाओं के परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं वे, और इन्हें क्रोनिक रेडिविस्ट कहते हैं। तो साइकोपैथिक को एक नाम से और जाना जाता है, क्रोनिक रेडिविस्ट। तो यह जॉन वाल्वी का मानना था कि अगर बच्चे को भावनात्मक सुरक्षा नहीं प्रदान होती है या महा बचपन से ही बच्चा अनाथ हो जाता है तो उन लोगों में भावनात्मक असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है जिससे वह साइकोपैथिक व्यक्तित्व के हो जाते हैं, जिसको वह अपना तत्काल उत्तेजक प्रक्रिया देते हैं बिना उसके परिणाम को सोचे विचारे। तो इसको क्रोनिक रेडिविस्ट भी कहते हैं। अगला है रॉबर्ट जी आंद्रे। तो रॉबर्ट जी आंद्रे हैं जिन्होंने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि बालक जिनका अपने माता पिता के साथ असंतोषप्रद या असहानुभूतिपूर्ण संबंध होता है उनके चरित्र दोषपूर्ण हो जाते हैं, डिफेक्टेड कैरेक्टर हो जाते हैं तथा उनमें विचलन की प्रवृत्तियाँ अधिक देखी जा सकती हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसे बालक जिनका जैसे जिनके माता पिता बच्चों को बहुत मारते पीटते हैं या उनसे प्यार नहीं करते हैं, असहानुभूति रखते हैं, तो ऐसे बच्चे जो हैं दोषपूर्ण चरित्र का शिकार हो जाते हैं अर्थात तो उनका समाजीकरण अच्छे तरह से नहीं हो पाता है जिस कारण वह विचलित व्यवहार करते हैं। तो समाजशास्त्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। अब आते हैं सोशियोलॉजिकल थियरी। इस समाजशास्त्रीय सिद्धांत में विचलन को किस रूप में देखा जाता है। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत जैविक तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि व्यवहार पर उसके समाज और संस्कृति का व्यापक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का परिवार कैसा है, आसपास का वातावरण, उसकी संगति कैसी है, सामाजिक मानदंड कैसा है, सामाजिक अनुभव कैसे हैं उसके समाज के साथ, आदि सभी सम्मिलित रूप से व्यवहार या क्रिया व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं जिससे वह विचलित व्यवहार करता है। तो इन्होंने कहा ऐसे विचलन को समझने के लिए सामाजिक परिवेश तथा परिप्रेक्ष्य को समझना बहुत जरूरी है। आगे है प्रकार्यवादी सिद्धांत, फंक्शनल थियरी अर्थात विचलन का प्रकार्यवादी सिद्धांत क्या रहा है। तो प्रकार्यवादी सिद्धांत में प्रकार्यवाद एक ऐसा दृष्टिकोण के रूप में समाजशास्त्र में सामाजिक मानव शास्त्र से आया है। प्रकार्यवाद को समझने का सबसे बेहतर प्रकार्यवाद को समझने का यह बेहतर स्थान नहीं है, ज़्यादातर बेहतर होगा कि हम सीधे विचलन पर आए क्योंकि प्रकार्यवाद अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रकार्यवाद को हम समझने से पहले विचलन को ही समझ लेते हैं क्योंकि विचलन को समझने के लिए प्रकार्यवादी एक दृष्टिकोण है, अतः इस विषय में एक मोटी मोटी अवधारणा बनाना जरूरी है। तो प्रकार्यवाद समाजशास्त्र का वह दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि समाज में जो भी घटनाएँ संस्था संस्कृति इकाई आदि हैं वह इसीलिए है कि उनका समाज में स्थायित्व एवं निरंतरता है, उसका कोई न कोई समाज के लिए योगदान है, इसलिए सभी घटनाएं जो हैं घटित होती हैं या समाज में उनका अस्तित्व है, या प्रकार्यवाद का मानना है।
इस दृष्टिकोण से अगर विचलन को देखा जाए तो प्रकारवादी मानते हैं कि विचलन समाज के स्थायित्व एवं निरंतरता में योगदान करती है, अर्थात विचलन के लिए विघटनकारी नहीं होता। तो समाज के लिए विचलन जो है विघटनकारी नहीं है, ऐसा किसका मानना है? प्रकारवादियों का मानना है कि समाज में जो विचलित होते हैं उससे कई तरह से, जैसे समाज के विचलित व्यक्ति में जैसे राजा राम मोहन राय हैं, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया जिससे उसके सकारात्मक परिणाम मिले, तो प्रकारवादी जो है विचलन को सकारात्मक रूप से देखते हैं, इन्होंने समाज में उसको सामान्य माना है। जैसे सर्वप्रथम विचलन की बात प्रकारवाद के संदर्भ में करते हैं दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड, तो यहाँ पुस्तक याद रखेंगे कि विचलन की बात उन्होंने किस पुस्तक में की है, तो विचलन की बात वह करते हैं अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड में, यह माना कि कोई भी समाज जो है अपराध मुक्त नहीं होता है, अर्थात प्रत्येक समाज में अपराध कुछ ना कुछ भाग पाया जाता है, और इन्होंने अपराध को सभी समाजों के लिए स्वाभाविक एवं अपरिहार्य जरूरी माना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यह स्टेटमेंट पूछा जाता है डायरेक्ट। इन्होंने कहा कि सभी स्वस्थ समाजों का जीवन एकीकृत भाग होता है अपराध। दुर्खीम के अनुसार व्यक्ति के शरीर में कोई ऐसा अंग या तंत्र नहीं है जो उसकी मूल प्रवृत्तियाँ, उन्मूत इच्छाओं, अनैतिक विचारों आदि को नियंत्रित कर सके। इन्होंने कहा कि शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जो व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों या इच्छाओं या अनैतिक विचारों को रोक सके। इसको नियंत्रित करने का कार्य जो है वह सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस करती है। तो इन्होंने कहा समूह के विचार, अर्थात समूह के विचार वह हो जाते हैं जो समाज के नियम और कानून होते हैं। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति के अनैतिक और दमनित इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए जो है सामूहिक चेतना जरूरी है। व्यक्ति सामूहिक चेतना के साथ संबद्धता के कारण अपनी अवांछित इच्छाओं पर जो है नियंत्रण रखता है। जैसे हम कोई कार्य करने से पहले यह सोचते हैं कि समाज इस कार्य करने से क्या सोचेगा, जो समाज के लिए सकारात्मक होता है ज़्यादातर हम उन्हीं कार्यों को चुनते हैं। तो दिन प्रतिदिन की भाषा में कहें कि एक आदमी यह सोचकर गलत कार्य नहीं करता कि लोग क्या सोचेंगे, मैं समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगा, तो यह सब सोचने के बाद वह गलत कार्य करना नहीं चाहता। परंतु यह भी संभव नहीं है कि व्यक्ति सदैव सामूहिक चेतना और सामूहिक मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करें। ऐसे में व्यक्ति कभी कभी सामूहिक चेतना की उपेक्षा कर स्वार्थों और इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है जो अस्वाभाविक नहीं है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में वर्तमान समाज में देखिए, कई लोग एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो सब लोग देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि चलो घुस देकर हो जाए, तो घुस एक तरह से विचलित व्यवहार ही है, भ्रष्टाचार है, तो वह उसे देने से नहीं कतराता। बार बार मेहनत करके जब असफलता पाता है तो उसे अगर चांस मिलता है, मौका मिलता है कि हमें नौकरी करनी है, यहाँ पैसा देने से हमारा कार्य हो जाएगा, तो वह वैसा करता, अर्थात विचलित व्यवहार करता। और कभी कभी होने वाले अपराध इनका विचलन अपराध कहते हैं, अस्वाभाविक नहीं है जिसे विचलन या अपराध कहते हैं। इस प्रकार के अपराध न सिर्फ अपरिहार्य हैं बल्कि प्रकार्यात्मक भी होते हैं। इनका कभी कभी अपराध होने के कारण अपराध समाज की सामूहिक चेतना या एकता को सुदृढ़ करते हैं। जैसे किसी बैंक में चोरी हो जाती है तो वह बैंक को और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए मजबूर करती है, तो वह अपनी सिस्टम को चेक करता है कहाँ से लूप होल है, तो वह उसे और मजबूत करता है। उदाहरण के तौर पे जैसे आज के समय में हैकिंग है, तो हैकिंग किसी कंपनी का वेबसाइट हैक कर लिया जाता है, तो सामने वाला बंदा क्या करता है, उसकी कमियों का पता लगाकर उसको प्रकार्यात्मक रूप से ले लेता है हैकिंग को, तो अपने सिस्टम को सुधार करता है। उसी तरह यह भी कहते हैं कि कभी कभी अपराध समाज में सामूहिक चेतना और एकता को सुदृढ़ करता है। अपराध तभी दुष्प्रकार्यात्मक हो जाता है जब इसकी
दर में वृद्धि हो। तो उनका जब अपराध कभी कभार होता है वह तो प्रकार्यात्मक होता है, लेकिन अगर वही अपराध बार बार होने लगे तो वह क्या हो गया, वह समाज के लिए दुष्प्रकार्यात्मक हो जाता है। अगर समाज में अपराध की बढ़ी दर न रोके तो प्रतिमानहीनता होता है, अर्थात एनोमी की स्थिति आ जाती है। दुर्खिम के अनुसार प्रतिमानहीनता रोगात्मक या असामान्य सामाजिक तथ्य है। तो इनका समाज में जब बहुत ज़्यादा अपराध होने लगता है तो वह समाज के लिए प्रतिमानहीनता अर्थात एनोमी की स्थिति में ले जाता है, जिससे समाज के विखंडन या टूटने की स्थिति आ जाती है। दुर्खिम के अनुसार प्रतिमानहीनता जो है समाज के लिए एक असामान्य या रोगात्मक या व्याधिकी, ज़्यादातर व्याधिकी एग्जाम में पूछा जाता है, तो व्याधिकी होता है। तो यह तो दुर्खिम की व्याख्या रही। आगे दुर्खिम के बाद जो है प्रमुख प्रकार्यवादियों में आते हैं अल्बर्ट कोहेन। अल्बर्ट कोहेन ने विचलन के दो संभावित प्रकार बताए हैं। पहला, विचलन समाज के लिए सेफ्टी वाल्व का कार्य करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो विचलन समाज के लिए सेफ्टी वाल्व का कार्य करता है, व्यक्ति समाज के लिए सापेक्षिक रूप से कम नुकसानदेह होता है। इनका व्यक्ति समाज के लिए सापेक्षिक रूप से कम नुकसानदेह क्रिया द्वारा किए गए गुस्से, प्रतिवाद या दुर्भावना को व्यक्त करता है, तो इससे समाज सुरक्षित होता है। तो इन्होंने कहा जब हम छोटी मोटी विचलन है, जैसे अपने क्रोध को, किसी से झगड़ा हुआ उसी समय क्रोध को निकाल लिए, तो वह समाज के लिए प्रकार्यात्मक होगा, नुकसानदेह क्रिया नहीं होगी या कम नुकसानदेह होगी। जैसे अब हम दो उदाहरण देते हैं, जैसे दो परिवारों में झगड़ा हुआ ना, तो वहाँ व्यक्ति झगड़ा किए तो विचलित व्यवहार हुआ ऐसे ही है, और वह अपने अंदर के क्रोध को जब निकाल दिया झगड़ा करके शांत हो गया तो सही है। लेकिन एक व्यक्ति अगर मन के अंदर यह रख ले कि हमें इससे बदला लेना है, तो झगड़ा हुआ बहुत हुआ, हाथ गोड़ टूटा, उतना तक सही, मतलब कम नुकसानदेह हुआ। लेकिन अगर एक व्यक्ति उसमें से एक व्यक्ति ठान ले कि हमें इससे बदला लेना है, और जाके वह आगे चल के उस व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति का मर्डर कर देता है, तो वह समाज के लिए अधिक नुकसानदेह होगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा विचलन एक सेफ्टी वाल्व काम है, कि कोई झगड़ा करता है अपने अंदर के गुस्से को बाहर जब निकाल देता है तो वह सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य करता है। अगला है अपराध समाज के लिए एक चेतावनी यंत्र या वार्निंग डिवाइस की तरह कार्य करता है, जो समाज को यह सूचित करता रहता है कि समाज की कोई व्यवस्था या संस्था सही से कार्य नहीं कर रही है। उदाहरण के तौर पे अगर बहुत ज़्यादा चोरियां होने लगे तो यह समझ में आया कि का पुलिस प्रशासन ठीक से कार्य नहीं कर रही है, तो उसको और ज़्यादा मजबूती या और सजग रहने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें मतलब कि वार्निंग देता है कि समाज सिस्टम नहीं कार्य कर रहा है ठीक से, तो और उसे सुचारू बनाने चाहिए। समाज ठीक समय रहते ही अगर ठीक कर सकता है तो उसके परिणाम अधिक घातक नहीं होंगे। अगर सचेत हो गए, जैसे कहीं एक दो जगह चोरी हुआ तो पुलिस विभाग सचेत हो गई, बार बार गश्त लगाने लगे, तो चोरियां कम हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं। अगला है आर के मर्टन। तो आर के मर्टन है जिन्होंने विचलन के संदर्भ में बात कही है। तो मर्टन का विचलन का संबंध सामाजिक संरचना में देखते हैं। इन्होंने अमेरिकी सामाजिक संरचना का जो है अध्ययन किया है और अपने विचार को प्रतिपादित किया। तो मर्टन ने विचलन की सामाजिक सांस्कृतिक व्याख्या प्रस्तुत की है। क्या? सामाजिक सांस्कृतिक व्याख्या। इन्होंने कहा विचलन को साधन साध्य असंगतता, तो साधन साध्य असंगतता मीन्स एंड डिस्क्रिपेंसी का परिणाम माना है। और साधन साध्य असंगतता मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। मार्टन ने कहा कि जब व्यक्ति साधन और साध्य को सुचारू रूप से फॉलो करता है तो वह विचलन नहीं माना जाएगा, लेकिन जब साधन और साध्य में असंगतता हो जाएगी, जैसे साधन है हमें, हम लोगों असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है,
तो साधन है कि हम पढ़ाई करके इंटर पर एग्जाम दें, इंटरव्यू दें, तब हमारा जो है सिलेक्शन हो और हम प्रोफेसर बने। दूसरी तरह है कि लक्ष्य तो हमारा वही है, साध्य गोल, लेकिन साधन का उपयोग करके हम एग्ज़ाम ना देकर हम डायरेक्ट पैसे देकर हो जाएं, तो वह हमारा विचलन के कटघरे में आएगा। इसके अनुसार समाज के कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं, वह अपने सदस्यों की अपेक्षा करते हैं कि उसे पूरा करें। अमेरिकी समाज जीवन में आर्थिक सफलता पर अत्यधिक बल देता है। व्यक्ति के पास खूब पैसे हों, महंगी गाड़ियाँ, आलीशान मकान हो आदि होने चाहिए। यह सब सामाजिक लक्ष्य या साध्य हैं और इनको पूरा करने के लिए वह पापड़, नौकरी या बिजनेस करके अगर प्राप्त करता है तो वह उसे डेविएंस नहीं माना जाएगा। लेकिन वह बैंक में डकैती करके महंगे घड़ियाँ, आलीशान बंगला या मकान खरीदता है तो उसे डेविएंस या सामाजिक विचलन कहेंगे। मॉडर्न के अनुसार जैसे हमें किसी पैसे की ज़रूरत है तो हम जॉब करके वह पैसे अर्जित करते हैं, तो वह हमारा एक सही मतलब समाज के लिए सामाजिक रूप से या साधन साध्य में सामंजस्य की क्रिया को व्यक्त करता है। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य तो पैसा कमाना है, लेकिन हम उसे प्रॉपर नौकरी करके ना करके बैंक में चोरी डकैती करके अगर वही पैसा हम अर्न करते हैं लेते हैं, तो लक्ष्य तो हमारा पैसा कमाना था, पैसा पाना, लेकिन साधन का गलत चुनाव करने के कारण हम विचलित व्यवहार कर बैठते हैं। मटन के अनुसार अगला है डेविड मैटजा। तो डेविड मेटजा कहते हैं, इन्होंने मध्यम वर्गीय युवाओं के विचलन का अध्ययन किया है। इनके अनुसार विचलन उनका स्वभाव एवं प्रवृत्ति नहीं होती है, बल्कि मजे लेने की प्रवृत्ति से विचलन करते हैं। ऐसा करने से में मजा आता है, जैसे चोरी। तो इन्होंने मध्यम वर्गीय युवाओं को कहा, तो उन्होंने कहा कानून नियम तोड़ना उनका स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन आनंद लेने के लिए जो है ऐसा करते हैं। तो इन्होंने कहा कि तेज तर्रार मोटरसाइकिल चलाना, किसी को छेड़ना जैसे लड़कियों का, लाल बत्ती के नियमों को तोड़ना अर्थात ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना, यह सब मजे के लेने के लिए युवा लोग करते हैं। जैसे बेटा आज के युवा, हमारे भारत के युवा क्या करते हैं मजे लेने के लिए, ट्रेन में क्या करते हैं, बिना टिकट सफ़र करते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण। और बाइक तो नॉर्मली सब तेज चलाते ही हैं, ट्रैफिक नियमों का धज्जियाँ उड़ाते हैं, जैसे बिना हेलमेट पहने घूमना, या भी एक तरह से विचलित व्यवहार माना जाएगा, लेकिन सब मजे लेने के लिए करते हैं। डेविड मार्शजा ने विचलन के जो है तीन कारणों की चर्चा की है। पहला एक प्रभाव, दूसरा संबद्धता, तीसरा महत्व। एफिनिटी माने प्रभाव, यह उच्च कार्य वर्ग के संपर्क में आने पर वैसी ही जीवन शैली की कामना से होता है कि हम किसी व्यक्ति से प्रभावित हो गए कि व्यक्ति कार से चल रहा है, बाइक से चल रहा है, अच्छी कपड़े पहन रहा है, अच्छी महंगी गाड़ियाँ पहन रहा है, तो उससे प्रभावित होने के बाद अगर हम विचलित व्यवहार करते हैं तो वह है। दूसरा है एफिलिएशन, संबद्धता। अगर हम किसी कुसंगति व्यक्ति से विचलित समूह में जुड़ जाते हैं, जैसे हम किसी गुंडे गैंग या चोरी के गैंग में जुड़ जाते हैं, वहाँ से जब हम विचलित व्यवहार करते हैं, तो उसे कहा कि यह एक संबद्धता का महत्व है। तीसरा सिग्निफिकेंस, महत्व। समाज में चूंकि उसकी पहचान नहीं होती, इसलिए वह कुछ वैसी क्रियाएं करना चाहता है जिससे वह समाज में पहचान मिल सके। जैसे कि आज के समय के युवाओं में कानून तोड़ने से, जैसे अभी आपने हाल फिलहाल में एल्विस यादव, कई फेसबुक इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, या कई ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे रील्स बना रहे हैं, तो कानून की परवाह करे बिना रील्स बनाते हैं क्योंकि वो अपनी पहचान बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी लोग विचलित व्यवहार करते हैं, ऐसा कौन मानते हैं, डेविड मार्चा। अगला है तकनीक, तटस्थीकरण की तकनीकी, टेक्निक ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो मैटजा के अनुसार व्यक्ति के विचलन के प्रति अपराध बोध महसूस नहीं करता, बल्कि वह अपने क्रिया को न्याय उचित ठहराने वाले तर्क विकसित कर लेता है। किसी डकैत का यह कहना, जो लोग सरकार के करोड़ों रुपए टैक्स की चोरी करते हैं, उनसे थोड़े पैसे ले लेना अपराध कैसे हो सकता है। और जैसे शराब पीने वाले करते हैं कि वह शराब पीने का एक अपना लॉजिक दे देते हैं, शराब पीने से ये रोग नहीं होता, ये नहीं होता,
बहुत कुछ। तो उसी तरह इन्होंने कहा कि अगर जैसे बड़े बड़े नेता टैक्स चोरी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उनसे उनके यहाँ डकैती या चोरी कर लें और तर्क दें कि भैया अपराध देश समाज का चोरी कर रहे हैं तो हम उनसे चोरी कर लिए, तो क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह उसके बाद आ जाते हैं हमारे हावर्ड एस बेकर। हावर्ड एस बेकर की अवधारणा, इनकी तो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी है, अभी हाल फिलहाल एग्जामों में भी पूछा गया है, लेवलिंग का थियरी। तो बेकर मानते हैं कि व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति से नहीं होता है। तो इसको ध्यान से देखें, क्योंकि 2 बार लगातार इसको पूछा गया है। तो बेकर मानते हैं कि व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति से नहीं होता है, जिस समाज या समूह का वह सदस्य होता है लोग उस पर एक लेबल लगा देते हैं, जैसे बदमाश या शातिर या आवारा। धीरे धीरे वह उसी लेबल के अनुसार जो है व्यवहार करने लगता है। अर्थात कई समाज शास्त्रियों ने या सामाजिकरणकर्ताओं ने, मनोवैज्ञानिकों ने, सब ने रिसर्च करके पाया है कि समाज किसी व्यक्ति के एक बार वैसा व्यवहार करने पर बार बार उसको कहता है कि फला व्यक्ति ऐसा है, तो वह व्यक्ति वैसा बनने की इच्छा कर लेता है, अर्थात वैसा ही बन जाता है, अर्थात उस पर लेबल लग जाता है। जहाँ उदाहरण के तौर पे जैसे कुछ बच्चे यहाँ आवारा गर्दी करते हैं तो समाज क्या होता है, उन्हें आवारा का टैग दे देता है, तो वो बराबर आवारा गर्दी ही करते रहते हैं। वही कहते हैं कि लेबर स्टिग्मा। इसी से जुड़ी हुई जो है इरविन गाफमैन की स्टिग्मा थियरी भी है, लेबलिंग के सिद्धांत से ही। परंतु बेकर यह स्पष्ट नहीं कर पाए आखिरकार समाज या समूह उस पर लेबल क्यों लगाया है। अर्थात तो निश्चित रूप से लेबल लगाने से पूर्व उसके व्यवहार उसी प्रकार के रहे होंगे, इसलिए उस पर ऐसा लेबल लगता है। तो इरविन गाफमैन ने अपनी अवधारणा स्टिग्मा या कलंक में हावर्ड एस बेकर की जो है लेबलिंग के थियरी के अनुरूप ही चर्चा की है। अगला है लेमर्ट, एडविन लेमर्ट। एडविन लेमर्ट तो जो है बेकर द्वारा छोड़े गए प्रश्नों के उत्तर में लेमर्ट ने 2 प्रकार के विचलनों की चर्चा की है, एक प्राथमिक विचलन तथा दूसरा सेकेंडरी विचलन, प्राइमरी और सेकेंडरी विचलन के रूप में इन्होंने बताया है लेमर्ट ने। इन्होंने कहा प्राथमिक विचलन के अंतर्गत वह व्यवहार आता है जो व्यक्ति के प्रारंभ में करता है और उन्हीं प्रारंभिक विचलन के आधार पर समाज उस पर लेबल लगा देता है, फिर उसी लेबल के अनुसार वह विचलन करता है जिसे लेमर्ट ने द्वितीयक विचलन करता है। अर्थात जब पहली बार व्यक्ति कोई विचलित व्यवहार करता है तो उसको प्राथमिक विचलन माना जाता है और समाज उसी विचलन के आधार पर उस पर एक लेबल लगा देता है कि वह ऐसा व्यवहार करता है, और तब वह व्यक्ति जो है वैसा व्यवहार बार बार करने लगता है, उस पर लेबल लग जाता है। तो जब दोबारा वह बार बार व्यवहार करने लगता है तो उसी को लेमर्ट ने द्वितीयक विचलन कहा है। जैसे प्रारंभ में कोई बच्चा पढ़ाई से जी जुड़ाता हो इसीलिए वह स्कूल नहीं जाता है तो वह प्राथमिक विचलन है, ऐसा समाज पर उस पर आवारा का लेबल लगा देता है और आगे चलकर वह आवारा का लेबल के अनुसार आवारा गर्दी करने लगता है, तो उसको द्वितीयक विचलन लेमर्ट ने माना है। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। आगे हम मर्टन के विस्तृत रूप से साधन साध्य की चर्चा करेंगे, उन्होंने कैसे बताया है विचलन की, उसके बाद कोहलिन मतलब उसके बाद कई विचारक हैं जिनकी हम चर्चा आगे चल के करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।